फ्रेंड्स, बहुत सारे लर्नर पूछते हैं कि टेक फॉर गारंटेड क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में टेक फॉर गारंटेड के बारे में जानें। फ्रेंड्स, टेक फॉर गारंटेड मींस टू गिव लिटिल अटेंशन टू, यानी किसी को बहुत कम तवज्जा देना या ध्यान देना। और अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ समवन, या किसी के वैल्यू को अंडर एस्टिमेट करना, यानी किसी के वैल्यू को कम समझना या हल्के में लेना। फ्रेंड्स, टेक समवन और समथिंग फॉर गारंटेड मींस टू अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दैट पर्सन और दैट थिंग। किसी को टेक फॉर गारंटेड करना मींस उसके वैल्यू को अंडर एस्टिमेट करना, उस इंसान या उस चीज के वैल्यू को अंडर एस्टिमेट करना, उसकी वैल्यू को तवज्जा न देना, यानी इम्पोर्टेंस न देना। इन अदर वर्ड्स, टू एक्सपेक्ट समवन और समथिंग टू बी ऑलवेज अवेलेबल। इस बात को हम दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी कह सकते हैं, किसी चीज को ऐसे लेना मानो वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल हो, कभी वो आपको छोड़कर जाएगा ही नहीं, यानी वो हमेशा आपको सर्व करेगा बिना थैंक्स के। लगता है आप समझे नहीं। आइए फ्रेंड्स, इस बात को एग्जांपल में समझें। फ्रेंड्स, कई बार आप अपने लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे या बोले होंगे कि मैं इंग्लिश को हल्के में लेता हूँ, यानी मैं इस चीज को ज्यादा वैल्यू नहीं देता हूँ। तो जब आपको कहना हो कि आप किसी चीज को हल्के में ले लेते हैं या ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, तो आप यूज करेंगे टेक फॉर गारंटेड। जैसे अगर आपको कहना हो कि मैं इंग्लिश को हल्के में लेता हूँ, तो आप कहेंगे आई टेक इंग्लिश फॉर गारंटेड। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो उसने मुझे हल्के में ले लिया, यानी उसने मुझे अंडर एस्टिमेट किया, मेरी खूबियों को या मेरी इम्पोर्टेंस को तवज्जा नहीं दिया, तो मैं कहूंगा ही टुक मी फॉर गारंटेड। यहाँ पर मैंने टुक बोला क्योंकि मेरा सेंटेंस पास्ट में था, और जब सेंटेंस पास्ट में हो तो हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। ये बात मैंने आपको पार्ट 7 में सिखाया था। फ्रेंड्स, अगर कहना हो वह मेरी खिदमत को हल्के में ले लेता है, तो आप कह सकते हैं ही टेक्स माई सर्विस फॉर गारंटेड, यानी वो मेरी खिदमत को, सर्विस को कोई भी वैल्यू नहीं देता, अंडर एस्टिमेट कर देता है, यानी उसको लगता है मैं तो हमेशा हाजिर हूँ उसकी खिदमत में, मैं कहाँ जाने वाला। फ्रेंड्स, अगर कहना हो मैं ग्रामर को हल्के में लेता हूँ, तो आप कहेंगे आई टेक ग्रामर फॉर गारंटेड, यानी इस चीज को मैं ज्यादा वैल्यू नहीं देता हूँ, इसे मैं अंडर एस्टिमेट कर देता हूँ। लेकिन अगर आपसे कोई कहे ग्रामर को हल्के में ना लो, तो आप कहेंगे डोंट टेक ग्रामर फॉर गारंटेड, यानी इसको अंडर एस्टिमेट ना करो, इसकी वैल्यू को कम ना समझो। फ्रेंड्स, अगर कहना हो मैं टेट का एग्जाम हल्के में ले लिया, यानी कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि मैंने टेट के एग्जाम को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया, उसको मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया, आप कहेंगे आई टुक टेट एग्जाम फॉर गारंटेड। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आया होगा कि आपने समझा टेक फॉर गारंटेड टू गिव लिटिल अटेंशन टू, किसी को बहुत कम तवज्जा देना या ध्यान देना, और अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ समवन, या किसी के वैल्यू को अंडर एस्टिमेट कर देना, हल्के में लेना या कम समझना। आइए फ्रेंड्स, आज का लास्ट एग्जांपल देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि मैं होम्योपैथिक दवा को हल्के में ले लेता हूँ, तो आप कहेंगे आई टेक होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर गारंटेड, यानी इस चीज को मैं ज्यादा तवज्जा नहीं देता हूँ, इस चीज को मैं ज्यादा वैल्यू नहीं देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि अब आप टेक फॉर गारंटेड का यूज बड़े आसानी से करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलना। फिर मिलेंगे एक नए लेसन में, तब तक के लिए बाय।